हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे के बिस्किट, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और मैं ये दो तरीके से बना रही हूँ, बेक करके और फ्राई करके। तो जो फ्राई करके बनाते हैं वो बिहार की एक रेसिपी है, वो बिस्किट नहीं बोलते उसे, कुछ और बोलते हैं, बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि वो क्या बोलते हैं। और जो दूसरा है मैं बेक करके भी बनाने वाली हूँ, तो काफ़ी टेस्टी बने हैं, मतलब मैं बना चुकी हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी टेस्टी बने हैं, तो चलिए साथ बने रहिएगा और देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लेना है 2 कप आटा, दो कप आटा ले लिया है और आधा कप लेनी है सूजी, ये मैंने छान के रखी हुई है। और 1 कप मैं लूंगी यहाँ पे चीनी, चीनी ली है मैंने। आधा कप पानी लिया है, तो चीनी को आधा कप पानी में भिगो के रख देंगे। ठंडा पानी लिया है, ठंडा मतलब नॉर्मल पानी लिया है, ना गर्म है ना ज़्यादा ठंडा, तो इसे छोड़ दूंगी मैं कुछ टाइम के लिए। और इसको पूरे तरीके से पीसना नहीं है, बस इतना भिगोना है, क्योंकि हमारे बिस्किट में ये चीनी जो है आएगी, दिखाई देनी चाहिए हल्की। तो ये मैंने रख दिया है, उधर मैंने आटे के लिए तैयारी कर ली है। अब मैं रिफाइंड ऑयल डाल के और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो रिफाइंड डाल के और इसे हल्के हाथ से इस तरीके से रख लेंगे, इसे गूंदना नहीं है, बस इसको अच्छे तरीके से मिलाना है उसमें। ज़रूरत के हिसाब से ऐड करते रहेंगे इसका, ना तो बहुत ज़्यादा इसको हमने टाइट बनाना है और ना बहुत ज़्यादा इसको मतलब ढीला रखना है, हमने ऐसा बनाना है कि ये अच्छे से इसमें मिल जाए रिफाइंड। ज़्यादा होगा तो भी बिस्किट अच्छे नहीं बनते, और अगर कम होगा तो भी। आप चाहे तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ। इसको पूरे को बहुत अच्छे तरीके से मिला लेना है, और ये देखिए हम इसे ऐसे करके देखेंगे, ये पूरी तरह से मतलब वो नहीं होना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का सा इसका वो बन जाए, गोल जैसे बन जाए ऐसे, बस अगर ऐसे हो गया है तो सफिशेंट है। इससे ज़्यादा रिफाइंड या घी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये मेरा बन चुका है, इसमें अब जो मैंने चीनी और पानी का घोल रखा है उसको ऐड कर दूँगी। अब जो चीनी और पानी है उसे डाल के हम इसे अच्छे तरीके से मत लेंगे, ये देखिए, तो थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी मैं और इसको इसका आटा बना लेंगे। इसमें आप चाहे तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, पर अगर जब हम इसमें दूध ऐड कर लेते हैं तो ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है, बट अगर आप बिना दूध के इसे बनाएंगे तो ये कम से कम 1 महीना आपका आराम से चल जाएगा। और इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, इलायची पाउडर या जैसा भी आपको टेस्ट चाहिए, जैसे नारियल का बुरादा वगैरह, इस तरह आप जो चाहें ऐड कर सकते हैं, पर मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। देखिए डो जो है वो बन के तैयार है हमारा। इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी रविंदर जी, कृपया अपने विचार व्यक्त कीजिए, कैसा लग रहा है आपको 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद जाना। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ के इंटरव्यू दीजिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सबके? बढ़िया है सबके हाल, आप बताइए आपके कैसे हैं? हमारे तो हाल वही है, जैसे लंबी छुट्टी के बाद बच्चा स्कूल में जाने से आना जाने कर रहा है।
वैसे ही हाल हो जाता है मेरे। जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, मैं चलो क्या भाई, करूँ। लंबी छुट्टियां काट लिया, काम पे लगो। अच्छा जी, नहीं चलो खुशी खुशी जाइए। मैं तो तो यहाँ मैंने रिफाइंड रख लिया है गैस पर गर्म होने के लिए, और दूसरी ओर मैं अब इसके बिस्किट बनाने की तैयारी में हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है अपना चकला, चकले पे इस तरीके से इसको रोल करके रख लिया है मैंने, रोल बना लिया है इसका चकले पर। अब इसको ना तो हमने बहुत मोटा रखना है ना बहुत पतला, इसको इस तरीके से हम फ्लैट कर लेंगे। ये बिस्किट से जो हमारे मार्केट से बिस्किट आते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रहता है। इस तरीके से फ्लैट कर लिया है, अब इसको मैं कट कर लूंगी। इस तरीके से, और कट करने के बाद अब इनमें अगर आप चाहें तो डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है डिज़ाइन बहुत पसंद होते हैं, तो आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं नाइफ की हेल्प से या फिर आप टूथपिक की हेल्प से इस तरीके से इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद दूसरा लेंगे, और ऑयल जो है वो भी गर्म हो चुका है, पक चुका है अच्छे तरीके से, तो मैंने सिम कर दी है गैस। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बना के रख लिया है, और अब मैं इन्हें इसमें जो मैंने सिम कर दिया गैस, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। तेल पक चुका है हमारा, और इसको जो इसकी फ्लेम जो है वो हमने सिम से मीडियम की ओर रखनी है। जैसे अभी सिम है तो अभी मैं धीरे इसे मीडियम कर। ये देखिए फ्राई हो रहे हैं ये, और बीच में हम चेक कर लेंगे, जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तभी इन्हें पलटेंगे, और बड़े ध्यान से पलटना है। और ये देखिए एक तरफ से हो चुकी है, मैंने अभी पलट के देखा था, तो इस तरीके से बड़े ध्यान से धीरे धीरे हम सारी पलट देंगे अपनी। और देखने में लग रहा है कि हाँ काफ़ी अच्छे बनेंगे, और फ्लेम के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि बहुत गर्म हो जाता है जब ऑयल, तो उसके बाद सिम कर देना है, और फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मतलब इसमें हम लोगों ने ये बिस्किट कह सकते हैं आप इनको डाल लेंगे हम, और लो से मीडियम की तरफ अपनी फ्लेम करेंगे, और उस पे ही हमने इनको पकाना है ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और ये देखिए दो मैंने पलट लिए हैं, लगभग हो चुके हैं, जो इनमें से एक दो आपको लग रहा है कि एक साइड ऊपर वाली, ये वाली साइड अभी ढंग से नहीं हुई है, तो इसको आप पलट सकते हैं, पलट के इसे और फ्राई कर लीजिए। तो दबा के अच्छे तरीके से इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दीजिए आप, और उतार लीजिए इन्हें। जब आप इन्हें निकालेंगे तो आपको लगेगा शायद ये सॉफ्ट हैं, पता नहीं कैसे बने होंगे कैसे नहीं, पर इनको छोड़ देना है कुछ टाइम बाद, फिर आप देखना ये बिल्कुल जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं बिस्किट, उससे भी अच्छा टेस्ट और उससे भी ज़्यादा कुरकुरे क्रिस्पी बने हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ अच्छे बने होंगे, या आपको इजी लगी, बहुत इजी रेसिपी है, एक बार ट्राई मारने में कुछ नहीं जाता है, और आप यकीन मानिए कि आप कहेंगे हाँ सच में ये बहुत टेस्टी बनते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जा रही हूँ मैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, और उसमें मैं नमक डाल के रख दूँगी गर्म होने के लिए। और अब मैंने एक प्लेट ले ली है, इस पे मैंने ये एक सिंपल पेपर ले लिया है, और इसके ऊपर ही मैं अपने सारे बिस्किट रखने वाली हूँ।
और ये मैंने बिस्किट इस पे रख लिए हैं। अब मैं इसको, ये जो मैंने स्टैंड रखा हुआ है इसके ऊपर, मैं इसको रख दूंगी। और आप देखिए, जो नमक है वो थोड़ा सा नीचे ही होना चाहिए, वो पूरी तरह से टच ना करे हमारी प्लेट को। वापिस मैं इसे ढककर रख दूंगी और कम से कम 40 से 50 मिनट के लिए मैं इसे ढककर रख दूंगी। और बस ध्यान रखना है कि फ्लेम हमारी लो होनी चाहिए। अब इसे छोड़ देंगे और हम 40 से 50 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। अगर अवन है आपके पास तब आप उसमें भी बना सकते हैं, वो उसमें बल्कि और ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और ये देखिए, ये वाले बिस्किट भी हमारे बनकर तैयार हैं। बस अभी मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। और मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया है। ये वाले बिस्किट भी हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम था तो मैंने थोड़े बनाए थे, पर नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ कि हाँ, मैं इन्हें बनाकर रख लूँगी, क्योंकि मैंने इन्हें ट्राई किया था फर्स्ट टाइम और काफ़ी अच्छे बने हैं। हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि संभावनाएं तो अब कम हो रही है सुरक्षित होने की। और आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है बिस्किट बनाने की रेसिपी। दोनों तरीके से अच्छे बने थे। एक जो मैंने कढ़ाई में बनाए हैं वो टेस्टी बहुत ज़्यादा है, बट इतने हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा तले ही जाते हैं, तल के ही बनते हैं, तो इस वजह से। बाकी दूसरे वाले जो हैं वो बहुत हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं, टेस्टी कढ़ाई वाले। और जो मैंने कढ़ाई में फ्राई किए हैं उनको, मतलब टेस्टी तो काफ़ी होते हैं, और बिहार साइड में बनाए जाते हैं वो मोस्टली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, पर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। मैं खा भी चुकी हूँ। हमारे स्कूल के जो गार्ड भैया हैं उन्होंने दुर्गा वो कौन सी छठ पूजा होती है, हाँ छठ पूजा के टाइम पे उन्होंने बनाया था। उस टाइम मैं नहीं जानती थी कि ये कैसे बनते हैं, पर मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। और अब मैंने खुद बना के देखा तो वाकई में बहुत अच्छे बने थे। वाकई में बहुत टेस्टी बनाए थे, बिल्कुल क्रंची क्रंची। ऐसे कहना दांतों को थोड़ा जोर लगाना पड़ा, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बने थे, बहुत ही टेस्टी है ना? आप भी जरूर ट्राई करें। वैसे इस मामले में मैं लकी हूँ कि थोड़ी अच्छी डिशेज खाने को मिल रही है। और पहले भी वर्किंग में कह रहा था खाना बनाती नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में और ज़्यादा अच्छा खाने को मिल रहा है। हाँ ऐसे तो, ना ये मतलब फ्रेज बहुत कम करते हैं, कर दी इन्होंने, मतलब कम करते हैं। मतलब क्या होता है कि मुझे खाना बनाने के बाद युगी तो साथ के साथ बोल लेता है कि मम्मा आपने बहुत अच्छा बनाया, और ये क्या करते हैं इनसे पूछना पड़ता है। आज मेरे को आदत नहीं होती ना तारीफ करने की, मैं अपनी तारीफ भी नहीं करता तो दूसरों की तारीफ आ गई है ना। और इनसे ना हमेशा पूछना पड़ता है, और मेरा हमेशा डायलॉग यही होता है, तो मतलब खुद को पता लग जाता है ना, आज मैंने बड़ा स्पेशल वाला कुछ बनाया है, सच्ची में यार इतना टेस्टी है, मैंने बनाया है तो। पर ये खा रहे होते हैं तब खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि हाँ इनको शायद खाना अच्छा लगा है। बट फिर मैं वेट करती हूँ, शुरू में ज़्यादा करती थी, अब तो आदत हो गई है, तो मैं वेट करती थी कि अभी ये बोलेंगे कि हाँ अच्छा बना, नहीं बोलते, फिर वो पूछते कि अच्छा नहीं बना है, ये तो बड़ा टेस्टी बना है, फिर मुझे गुस्सा आता था। और इस बात में मुझे अभी तक भी गुस्सा आता है, और ना एक डायलॉग रटा रटाया ही हो रहा है कि फिर बस मुझे हमेशा यही बोलना पड़ता, तो बोल नहीं सकते क्या अच्छा बना है हमेशा? पूछने पर ही बताते हैं कि हाँ अच्छा बना है, अपने आप कभी नहीं बताते। मतलब शायद डेली का ये डायलॉग हमारा पक्का है, कैसा बना है अच्छा बना है, तो आप नहीं बोल सकते अच्छा बना है, पूछने पे क्यों बताते हो? ये ना पता क्या, नॉर्मल रोटी भी खा रहे हो तब भी पूछेंगे रोटी अच्छी बनी है नहीं, तो आदमी ना फिर कंफ्यूजन में रहता है कि रोटी के बारे में क्या बताऊं। हाँ पार्लर कहीं नहीं जा रहे हैं। ये देखिए मैंने इनकी कटिंग की है ना, शेयर नहीं की थी मैंने, क्योंकि बेटे की थी तो मैंने शेयर की थी, तो इनकी मैंने नहीं शेयर की, इनकी भी मैंने की है, अच्छी हो रखी है। मैं भी तो कह रहा था कि मगर थोड़ी सी ना थ्रेडिंग कर दें मुझे कह रहे थे चल तेरी थ्रेडिंग करता हूँ, मैं कह इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं आपसे थ्रेडिंग करवाऊँ,
इसके सामने ही हो ऐसे ही ठीक है, अभी चल रहा है काम, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, जाना नहीं चाह रही हूँ ना जाने का रिस्क लेना चाह रही हूँ, और उससे भी बड़ा रिस्क इनको इनको बोल रहा है कि आप मेरी आईब्रो बना दो। हाथ में कहीं पर देखो इतना बड़ा रिस्क मैंने लिया कि नहीं लिया कटिंग का? लिया यार, आपको पता था कि मेरे काम पे विश्वास था। और जब अपनी बारी आती है लोग मुकर जाते हैं कि नहीं नहीं मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो अच्छी हुई है कटिंग, कोई डाउट है? नहीं डाउट तो बताओ। मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैं भी अच्छी करूंगा। मैं भी इतनी अच्छी नहीं होती होगी जितनी कर रखी है, इतना अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत बढ़िया वाली थ्रेडिंग करूंगा, कोई चांस नहीं लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग भी जो घर पे आपके पास सामान है उससे कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कीजिए। मेरा एक्चुअली क्या है कि आप लोग भी जानते हैं वर्किंग हूँ, तो काफ़ी टाइम मेरा स्कूल में ट्यूशन्स में इन सब में गुजर जाता था। गांव में थी तब भी थोड़ी बिजी रहती थी, यहाँ आके फिर मुझे लगता है खाली बैठने से बेटर है, बाहर के बिस्किट वगैरह बच्चे को खिलाने से बेटर है बिस्किट बना लिए, चिप्स बना लिए, कभी कुछ और ट्राई कर लिया, कभी कुछ और। तो बिज़ी रहती हूँ, कोशिश यही होती है कि खाली ना रहूँ, कुछ DIY करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव प्लांट्स के साथ लगी रहती हूँ, या जितने कार्डबोर्ड पड़े हैं उन पे कटिंग शटिंग करके किसी का कुछ बना दिया, किसी का कुछ बना दिया। तो इस तरीके से लगी रहती हूँ। आप लोग भी कुछ ना कुछ कीजिएगा क्रिएटिव, क्योंकि अच्छा भी लगता है और अपने काम की खुशी अपनी ही होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए और नई रेसिपी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।